सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं इनके बालों में कर्ल्स। और कितनी क्यूट सी बच्ची है आप देख पा रहे हो, और कर्ल्स होने के बाद में ये कैसे लगने वाली हैं वो भी आपको दिखाते हैं। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो गाइस, सबसे पहले आपको इस तरीके से सेक्शन निकाल लेने हैं। सेक्शन निकालने के बाद में इसमें से एक छोटा सेक्शन लेना है आपको। ये जो आगे वाला सेक्शन होगा, फ्रंट वाला, सबसे पहले आपको इसे रोल करना है। तो गाइस, रोल करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी एक आइनिंग की, और आइनिंग की टेम्परेचर रखना है हमें 220। ऐसे लेना है, एक राउंड करना है, थोड़ा नीचे चलना है, फिर डबल राउंड करना है, और पूरा नीचे स्ट्रेट करके छोड़ देना है। ये आगे की तरफ थोड़ा राउंड करना है, जिससे हमारा कर्ल्स और भी अच्छा दिख जाए। और अगर हमारे नीचे से बाल बेकार हो जाते हैं तो हम नीचे से भी इसी हिसाब से कर सकते हैं। देख सकते हो हमारा फर्स्ट कर्ल कितना प्यारा लग रहा है। सो गाइस, इसी तरीके से आपको दूसरा भी कर्ल्स लेना है, और उसको अच्छे से टैंगल फ्री करके ये आइनिंग को पहले स्ट्रेट बाल कर लेना है, फिर उसके बाद में सिंगल, और उसके बाद में अराउंड। तो गाइस, हमेशा हमें याद रखना है जब कर्ल्स हमारा फाइनल होके गिर जाए नीचे, तो हमें उंगलियों से उसको आगे की तरफ लिफ्ट करना है, जो वो एकदम गोल दिखाई दे, जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हो। आगे के बालों में हमें ऊपर से ही लेना है, बट जैसे नीचे आते जाएंगे वैसे ही हमें थोड़ा नीचे से अराउंड करना है, मतलब गोल करना है उसको ट्रिमर को, स्ट्रेटनर को उतना ही नीचे से रोल्स बनाना है, क्योंकि हमारे जो नीचे के कर्ल्स आने वाला है वो बहुत प्यारा है, और ऊपर से जो रहने वाले हमारे थोड़े स्ट्रेट रहने वाले हैं।
हमारे टॉइस फाइनल हो चुके हैं, आप देख सकते हो कितने प्यारे लग रही है। और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।